जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर में प्रशांत शर्मा के घर में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा 4 लाख रुपए के जेवरात और नकद रुपए चोरी कर फरार हो गया। इस घटना की सूचना मकान मालिक को अहले सुबह मिली और देखा कि घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और अंदर भी दरवाजा का ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मकान मालिक अपने ससुराल शादी में शरीक होने बीते रात गए हुए थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, दो दिन तीन दिन से हम यहाँ ना रहे, ससुराल में रहे अपन। मतलब घर में कोई नहीं? ना कोई ना, घर एकदम खाली ताला बंद थे। ससुराल में रही, एक महीना पहले बच्चा हुआ है, अभी ससुराल में निकल गए। बढ़ दीजिएगा क्या जी? आवेदन दे दिया है। तीन चार दिन से हम घर पे नहीं थे, अपने ससुराल में थे। आज जब सुबह हम यहाँ आए तो जैसे ही ऊपर आए, हमने अपना मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। फिर अंदर आए तो रूम का भी ताला टूटा हुआ था। अंदर रूम में घुसने के बाद सारा मेरा ज्वेलरी का डब्बा खाली करके फेंका हुआ था। जितना भी मेरा ज्वेलरी था वो सारा गायब था, और साथ ही साथ कुछ कैश था 4-5 हजार रुपए के लगभग में, वो सारा गायब है। शादी का ज्वेलरी था 3-4 लाख के लगभग का, वो सारा लेके चला गया, जिसमें चैन, गला वाला, कंगन, माथा का, नाक का सब था, वो सारा चीज गायब है घर से। कैसे चोरी, कहाँ से आया? जैसे कि पता तो चल नहीं रहा, क्योंकि मेन गेट जो हमारा नीचे है वो ताला बंद था, बट ऊपर वाले गेट का ताला टूटा हुआ है दोनों, तो हो सकता है वो रेलिंग से ही आए हों और उन्होंने सारा खींच किया है। इसका सूचना हमने सदर थाना को जाके दे दिया था सुबह ही तुरंत। लगभग कितने की चोरी होगी? लगभग सब मिला के 4 लाख के लगभग की ज्वेलरी होगी हमारी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत कौंडल्य। पिता का? पिता का नाम पंकज शर्मा जी भक्त।